जिला युवा कांग्रेस द्वारा नेहरू युवा केंद्र सिविल लाइन पर नगर निगम मुरादाबाद में जीत हासिल कर चुके कांग्रेस पार्टी के पार्षद और कांग्रेस पार्टी के नगर निगम के मेयर प्रत्याशी और नगर पंचायत अगवानपुर की जीत हासिल कर चुकी कांग्रेस की कमर जहां अध्यक्ष नगर पंचायत अगवानपुर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गणों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने सर्वप्रथम राहुल गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद गुप्ता ने की और संचालन मास्टर मोहम्मद समी ने किया। इस अवसर पर स्वागत पार्षद गणों को शॉल उड़ाकर और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शिवराज सिंह गुर्जर, अनुभव मेहरोत्रा, शमशेर अली, आरिफीन मदनी, मोहम्मद जुनैद, कमर सलीम, नदीम अंसारी, शकील अहमद, फरजाना, सद्दाम हुसैन, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत चाहता हूँ। पार्टी द्वारा पार्षदों का सम्मान समारोह किया गया है, तो क्या उद्देश्य था इसका? हमारे जितने भी सभासद और मेयर मुरादाबाद महानगर में चुनाव कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जहां पर सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, जहां पर सत्ता की धाक की वजह से मशीनरी का दुरुपयोग किया गया हो, उसके बावजूद हमारे यहाँ 10 सभासद और मेयर ने दूसरा स्थान पाकर कांग्रेस के आने वाले समय कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लोगों को धर्म और जात के मकड़ जाल में फांस करके परेशान कर रही है, नौकरशाह परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी की जो कल स्पीच हुई थी उससे और माननीय सोनिया गांधी जी की जो स्पीच थी उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लहर आने वाली है। सर, राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उद्देश्य में क्या कहना चाहूँगा? मैं बहुत खुश हूँ, मैं उस कार्यक्रम में शरीक हुआ था। माननीय राहुल गांधी जी हम सब लोगों के नए पीढ़ी के युवाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हुए नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनका हक और महिलाओं को उनके अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। हम लोग सब उनका साथ देंगे और वो पूरे देश में जो है ना एक भाईचारे का जो वातावरण बिगड़ा हुआ है उसे कायम करेंगे। आज हमारा कार्यक्रम नगर निगम चुनाव में जितने भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे और हमारे विजयी हैं उनका युवा कांग्रेस की तरफ से हमने सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें हमारे 10 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीते हैं और एक हमारे अगवानपुर चेयरमैन जीते हैं, चेयरमैन साहब भी आने वाले हैं। हमारा मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद बनकर आए हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया युवा कांग्रेस की तरफ से। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।